हेलो फ्रेंड्स, मैं सनाव रुद्र। आज आपको बताने वाला हूँ कि आप पेपाल के ऑटोमेटिक पेमेंट को किस तरह से डिसेबल कर सकते हो। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना होगा, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, क्रोम, सफारी, एक्सेस। मैं क्रोम पर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको वेबसाइट जाना होगा पेपाल की। उसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा, सिंपल। उसके बाद आपको जाना होगा, ये सेटिंग का सैम्पल जो बना हुआ उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा पेमेंट्स पे, यहाँ पर मैनेज पेमेंट्स पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शो एक्टिव मीन्स जितने भी आपके पेमेंट्स एक्टिव होगा, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखकर क्या आ रहा है, यू डू नॉट हैव एनी एक्टिव, ठीक है, ऑटोमेटिक पेमेंट्स राइट नाउ। इस टाइम पे कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट्स एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट नाउ डिसेबल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो शो इन एक्टिव पेमेंट्स, यहाँ पर आपने जितने भी मतलब जो जितने भी एप्लीकेशंस को आपने एक्टिव कर रखा होगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आपने पेपाल के अकाउंट्स को लिंक कर रखा होगा, वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने किन किन अकाउंट्स को इनएक्टिव कर रखा है या किन किन अकाउंट को एक्टिव कर रखा है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर इनएक्टिव पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर शो हो गया इनएक्टिव है। और जैसा कि मैं इस पर क्लिक करो फ्रीलांसिंग में, जो मैंने इनएक्टिव किया, ठीक है, जो जितनी भी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने फ्रीलांसिंग पर एक्टिव कर रखा था पेमेंट्स, तो यहाँ पर एक्टिव पेमेंट था, ठीक, ऑटोमेटिक एक्टिव था, उसको मैंने यहाँ पर सिंपली इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव लिख करके आ रहा था, तो मैंने इस पर जब क्लिक कर दिया सिंपली, और वो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो आप भी सिंपली एक्टिव जब रहे उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इनएक्टिव है, तो ये इनएक्टिव शो हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, अगर वो एक्टिव पेमेंट होगी, तो यहाँ पर ये इनएक्टिव ऐसे हो जाएगी सिंपली। तो बस सिंपल स्टेप थे मैंने आपको बता दिए, और आप भी ऐसा करके ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।